गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 ऑफ साइंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इन दिस चैप्टर वी रीड दीज टू पॉइंट्स। फर्स्ट टॉपिक इज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। एंड सेकेंड इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से कैसे डिपेंड है। ओके, सो दीज टू पॉइंट वी रीड इन दिस चैप्टर। वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। वी हैव ऑल्सो रीड अबाउट द कॉमन कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इन प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स। मीन्स लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, दे ब्रीथ, दे दे मूव। दीज आर कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये हम उस प्रीवियस चैप्टर में रीड कर चुके हैं। हाउएवर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन सम वेज। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कुछ वेज में डिफरेंट होते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। इन दिस चैप्टर वी रीड मोर अबाउट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिफरेंट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, अब कैसे डिफरेंस है वो एक दूसरे से। मोमेंट, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। सो डिफरेंस फर्स्ट इज मोमेंट, जो है वो उनमें डिफरेंस है मोमेंट पर। लाइक जो एनिमल्स होते हैं वो वन प्लेस से अनादर प्लेस में मूव कर सकते हैं। प्लांट्स स्टे फिक्स और रूटेड टू द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और सॉइल में रूटेड होते हैं, लगे हुए होते हैं। दे रिमेन एट वन प्लेस, और वो एक ही जगह पर लगे हुए रहते हैं। सेकेंड इज फूड। फूड, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सन, वाटर, सनलाइट एंड एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। किसके हेल्प से? वाटर, सनलाइट एंड एयर के हेल्प से। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते। दे आइदर ईट प्लांट्स और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। काउ, गॉट, शेप, कैमल, हॉर्स एंड एलिफेंट आर सम एनिमल दैट ईट प्लांट्स। सो काउ, गॉट, शेप, कैमल, हॉर्स, एलिफेंट, दीज आर हार्बिवर्स एनिमल्स। एंड हार्बिवर्स एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। हार्बिवर्स एनिमल्स क्या खाते हैं? ओनली प्लांट्स और इट्स लीव्स। कार्निवर्स एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, लियोपर्ड एंड जैकल ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवर्स एनिमल्स, जो कि अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। Omnivorous animals such as bear, crow eat both plants and animals. Omnivorous animals वो होते हैं जो plants and animals दोनों को खाते हैं। So these are called omnivorous animal like bear and crow. This is the exam. These are example of omnivorous animals. Breathe. All living being need to breathe air in order to survive. सभी जो living beings होते हैं सबको air की need होती है breathe करने के लिए. Okay, means सर्वाइव करने के लिए वो एयर ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एनिमल मस्ट टेक इन ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू यूज़ अप द फूड टू गेट एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शंस। जो एनिमल जो होते हैं वो एनर्जी ऑक्सीजन लेते हैं और जो फूड खाते हैं उससे उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो अपने फंक्शंस को ईजिली कर पाते हैं, बॉडी फंक्शन को ईजिली कर पाते हैं। मोस्ट एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर नोज। मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो अपने नोज से ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ देयर गिल्स। जो फिश होती है वो अपने गिल्स से ब्रीथ करती है। इंसेक्ट सच एज द कॉकरोच एंड मॉस्किटोज ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। जो कॉकरोच होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनके बॉडी पर स्मॉल होल्स बने होते हैं जिसके थ्रू वो एयर होल्स बने होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। फ्रॉक्स एंड टॉड्स हैव लंग्स। फ्रॉक्स एंड टॉड्स के लंग्स होते हैं, बट वैन दे आर इन द वॉटर, बट जब वो वाटर में होते हैं दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो वो जब वो वाटर में होते हैं तो वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। ओके, प्लांट डू ब्रीथ। प्लांट भी ब्रीथ करते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दैट सराउंडेड देम। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं, छोड़ते हैं, एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो किससे? एयर से, जो कि उसके उनके चारों ओर होती है। प्लांट्स हावेवर डू नॉट हैव लंग्स और नोज। जैसे एनिमल के नोज होती हैं, लंग्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के ना तो नोज होती है ना ही लंग्स होते हैं।
सो वी कैन नॉट से दैट दे ब्रीथ इन द सेम वे एज एनिमल डू. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स के जैसे ब्रीथ करते हैं, बिकॉज एनिमल्स के क्या होते हैं, नोज होते हैं, और प्लांट्स के नोज नहीं होते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स. स्टूडेंट्स, ये स्टोमेटा की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो इसको करेक्शन कर लीजिएगा. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स, जो प्लांट्स हैं वो टाइनी होल्स से ब्रीथ करते हैं, जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं. और ये स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स पर होते हैं. जो लीव्स होती है ट्रीज़ की, उसके ऊपर स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं, जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, और जिसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर. फिश ब्रीथ अंडर वाटर, मीन्स फिशेज कहाँ होती है, अंडर वाटर होती है, वाटर के अंदर होती है. सो वो वाटर से जो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है. एंड स्टोमेटा, लुक एट हियर, दिस इज़ द स्टोमेटा एंड दिस इज़ द लीव्स. जो लीफ होती है उसमें एक टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू की प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. ओके, फीलिंग. एनिमल हैव सेंस ऑर्गन्स सच एज ईयर्स, आईज, नोज, टंग्स एंड स्किन्स. एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ओके, सेंस ऑर्गन्स मीन्स सभी के फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिससे कि हम फील कर सकते हैं. एंड लाइक ईयर्स, ईयर्स हम सुनते हैं, आईज से हम देखते हैं. सो एनिमल्स के भी यही होते हैं, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन, जिससे कि वो फील कर सकते हैं. एंड मेक अ बेटर सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, और अब उनके चारों ओर वर्ल्ड में क्या होता है उसको भी वो बेटर ईजीली समझ सकते हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, प्लांट्स के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, कोई नोज, ईयर, टंग, आईज, कुछ भी नहीं होती है. रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, और गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ एनिमल्स तो एग्स देते हैं और कुछ एनिमल्स डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देते हैं. ओके, लाइक बर्ड्स, बर्ड्स क्या देते हैं, एग्स देते हैं. एंड एनिमल्स लाइक एनिमल्स लाइक काउ, गॉड, बफेलो, ये क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू देयर सीड, रूट, स्टेम एंड लीव्स. जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, सीड से, रूट से, स्टेम से, लीव्स से न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है. इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए. ओके, दे डिपेंड अपॉन ईच अदर बिकॉज ईच प्रोवाइड समथिंग टू अदर नीड. मीन्स एक दूसरे को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है. जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, और कुछ जो एनिमल्स से कुछ लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए, न्यूट्रिशंस मिलने के लिए, जो डंग वगैरह होते हैं उससे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलता है. ओके, सो दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर. दिस इज़ नॉन एज इंटरडिपेंडेंस. मीन्स अब एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होना इंटरडिपेंडेंस कहलाता है. इंटरडिपेंडेंस ऑफ फूड. अब कैसे एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, वो फूड से. प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद फूड बनाते हैं, किसकी प्रोसेसिंग से, फोटोसिंथेसिस, विद हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना प्लांट्स से फूड लेते हैं. ठीक है, मतलब कुछ एनिमल्स तो होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, कुछ एनिमल्स अदर सोर्सेज पर डिपेंड होते हैं, बट वो भी तो प्लांट्स को खाते हैं. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से ही एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वाइल सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स अदर एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं. सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं. डीकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया, वॉर्म एंड फंगी फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डीकम्पोजर मीन्स जैसे बैक्टीरिया, वॉर्म है, फंगी है, फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को फीड करते हैं, डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को फीड करते हैं. इन द प्रोसेस न्यूट्रिएंट गेट्स रिलीज इनटू द सॉइल. इससे क्या होगा,
कि जो सॉइल है, सॉइल में न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो सॉइल फर्टाइल होती है. ओके, दिस न्यूट्रिएंट आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ. और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने में हेल्प करते हैं. दस द प्रोसेस ग्रो सॉरी दस द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और ये प्रोसेसिंग चलता रहता है. ओके,